कथारा 4 नंबर स्थित सामुदायिक भवन परिसर में स्वावलंबी महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए गिरिडीह लोकसभा के सांसद के हाथों फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला समाज सेवी सरस्वती देवी एवं संचालन राजेश विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया, जिसके उपरांत उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वावलंबी महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कथारा ही नहीं बल्कि पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों को करना मेरी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए आप सभी का साथ और सहयोग की आवश्यकता है। जबकि सभा के दौरान आजसू के केंद्रीय सचिव राजेश विश्वकर्मा, केंद्रीय सचिव संतोष महतो, आजसू के बेरमो प्रखंड आजसू मंजूर आलम, कथारा पंचायत के न्यूतर्माण मुखिया आशा देवी, ममता सिंह और युवा आजसू नेता शिव शंकर नोनिया उर्फ पप्पू चौहान ने संबोधित किया, जिस दौरान पप्पू चौहान ने क्षेत्र की समस्याओं को सांसद महोदय के समक्ष रखी और कहा कि यह पहली बार सौभाग्य मिला कि कथारा 4 नंबर में सांसद हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। इससे पूर्व भी कई सांसद हुए थे लेकिन वे सभी हम लोगों के बीच नहीं पहुंचे थे। इस अवसर पर निशा सिंह, सोनी कुमारी सहित कई समाज सेवी तथा आजसू पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। स्वावलंबन प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का आज उद्घाटन हुआ और ये काफ़ी लंबे समय से लोगों का डिमांड था और हमने सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराया और भी मैंने कहा है कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए और कई चीज़ें हैं जिसमें आप लोग पहल करें, क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज़ चलाने में कठिनाई ज़रूर होती है लेकिन यदि सफलता मिलती है तो और भी, आज सैकड़ों में है तो हजारों महिलाओं को भी हम लोग रोजगार से जोड़ सकते हैं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।